ऐसी महफिल पाक में, ऐसी महफिलों में वही आते हैं जिस पर अल्लाह का फजल होता है, जिस पर अल्लाह का करम होता है। और ये महफिल पाक वही सजाते हैं जो नबी से मोहब्बत करते हैं और नबी से सच्ची अकीदत रखते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको मेरे सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको मेरे सरकार बुलाते हैं। आप आए नहीं, गोया आपको हमारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आप हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपको हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गोया बुलाया है। आप बड़े खुश नसीब है। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि ऐसी महफिल पाक में बैठने के बाद या तो आप कुरान की तिलावत सुनते हैं, या तो नाते मुस्तफा सुनते हैं, या तो कुरान की बातें सुनते हैं, या तो ईमानी तकरीरें सुनते हैं, या तो ईमानी बयानात सुनते हैं। यकीनन मेरे दोस्तों, ऐसी महफिल पाक में बैठना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है। जब तक रहेंगे तब तक अल्लाह की रहमतें आप पर बरसती रहेगी और अल्लाह की रहमतों के आप मुस्तहिक बनते जाएंगे। बिला ताखीर आपके रूबरू में एक बेहतरीन नातखा, बेहतरीन नातखा जिनका नामे नामी जनाब तारिक रजा साहब है। आप जानते हैं ये कौन है? ये वक्त के एक बहुत बड़े मुफक्किर, वक्त के एक बहुत बड़े मुदब्बिर, वक्त के एक बहुत बड़े मुफ्ती, वक्त के एक बहुत बड़े आलिम दीन, वक्त के एक बहुत बड़े दानिश्वर, वक्त के एक बहुत बड़े मुफक्किर, उनके साहबजादे हैं आप हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी के साहबजादे हैं। मैं उनको इन अशार के साथ दावत सुखन दूंगा। एक नया अंदाज लेकर आओ बज़्मे नाज़ में, सुभान अल्लाह आपको बोलना है। एक नया अंदाज लेकर आओ बज़्मे नाज़ में, सारी महफिल झूम उठे बस तेरी आवाज में, सारी महफिल झूम उठे बस तेरी आवाज में। हम रिंद है एक जाम मोहब्बत का पिला दे, अल्लाह के महबूब का दीवाना बना दे।